हेलो फ्रेंड्स, फेसबुक तो आप यूज़ करते ही हो, चाहे मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो या सिस्टम में हो भी हो तो आप तो इसे यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज बता को हमारे वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप फेसबुक को यूज़ करते हैं कि फेसबुक आपको यूज़ करता है। कोई भी चीज़ फ्री होता है दोस्तों, तो वो फ्री क्यों देता है आपको आज हमारे इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। और फेसबुक आज हम लोगों को कैसे यूज़ कर रहा है, हमारे डेटा को कैसे वो चुराता है और कहाँ कहाँ यूज़ करता है, ये हमारे वीडियो देख के आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे हम आज फ्री का ही फेसबुक यूज़ करते, खुद हम आज एक प्रोडक्ट बन गए हैं फेसबुक के लिए। कैसे यूज़ करता है फेसबुक हमें, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। और हमारे डेटा को वो कैसे यूज़ करता है, कैसे चुराता है, कैसे कैसे लेता है, ऐसे मैंने इस वीडियो को आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो को बनाया है और कंपोज किया है। हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वो भी ये फेसबुक के ये जो डेटा स्कैम लीक है, जो फेसबुक का ये धोखा है जो भी चल रहा है दोस्तों, आप न्यूज़ में सुने होंगे, कैम्ब्रिज एनालिटिका के नाम से न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, ये क्या है इस सारा में इस में बताया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सावधान हो सके और आप भी सावधान हो सके। और हमारे वीडियो और पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जिसान, स्वागत करता हूँ आपका डिजी क्लास चैनल में। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट फेसबुक हम पर कितना नज़र रखता है, हमारे बारे में कितना जानता है, क्या क्या जानता है, आप इसका दोस्तों अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हमारे वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए कि कैसे वो हमारे डेटा को यूज़ करता है। दोस्तों, कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो कि आप नाम सुने होंगे न्यूज़पेपर में या न्यूज़ देखे होंगे, तो उसके द्वारा जो डेटा लीक का जो विवाद लगातार आ रहा है, तो दोस्तों फेसबुक ने इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट किया है कि वो हमारे हर माउस के मूवमेंट को, जो हम अपने लैपटॉप में सिस्टम में करते हैं, उस पर नज़र रखता है। हमारे कीबोर्ड जो हम उस पर टाइप करते हैं, एक एक की पर वो नज़र रखता है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने 2000 सवालों का जवाब दिए हैं, जिनमें से वो ये बात बताया है कि फेसबुक हमारे माउस कीबोर्ड पर नज़र रखता है और हम किस वेबसाइट को कब कब खोले, कितने बार खोले, उस पर हम कितना टाइम बिता रहे हैं, इसके आधार पर फेसबुक हमारे सारे डेटा को लेता है और हमें उसके अनुसार वो अपना प्रोडक्ट को बेचता है और अपने जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, वो हमें दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने और अपने बहुत सारे सवालों में उसका जवाब भी दिया है और उसको ये भी पता है कि हम कौन कौन से वाईफाई का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे फ़ोन में किस किस का नंबर सेव है और किसके फ़ोटो के साथ सेव है, ये सब फेसबुक को पता है। और इसके अलावा फेसबुक यह भी जानता है कि हमारे फ़ोन में कितनी बैटरी बची हुई है, कितना रैम है, कितना स्टोरेज है और हम किस किस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस ऐप को हम कब डाउनलोड किए हैं दोस्तों। और मैं आपको सबसे एक खास बात बता दूं, हम फेसबुक को यूज नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ फेसबुक का ऐप हमारे फ़ोन में मौजूद है, चाहे उसमें हम अपना आईडी जनरेट किए हैं नहीं किए हैं, सिर्फ ऐप लोड होने के बावजूद हमारे फ़ोन को वो एक्सेस कर सकता है, हमारे ईमेल एड्रेस को, हमारे फ़ोन को, हालांकि हमारे फ़ोन में जिस चीज़ को चाहे वो आसानी से डेटा को ले सकता है। इतनी बड़ी तो जानकारी हमारी लीक हो रही है और हमें इसका पता भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, फेसबुक यूज़ करें, ज़रूर करें, लेकिन हद तक करें कि हम अपने कोई भी रिश्तेदार का, फ्रेंड्स का, या कोई भी अपने निजी जानकारी फेसबुक पे कभी भी शेयर ना करें। जितना हो सके उस पर बचे रहें, जितना काम हो उतना करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। दोस्तों चलिए, हम बता रहे हैं कि फेसबुक ने आपके डेटा को कहाँ कहाँ बेचा है, किस किस कंपनी को बेचा है, ये सारे खुद फेसबुक ने इसके जवाब दिए हैं, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ ये। फेसबुक ने खुद इस चीज़ को स्वीकार किया है कि उसने बड़े बड़े कंपनी जैसे कि हुआवे, ओप्पो, अलीबाबा जैसे 52 टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ आपका डेटा को शेयर किया है और आपके डेटा को बेचा है। और फेसबुक ने इसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक 4 चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी के साथ यूजर्स का डेटा जो है वो शेयर करती है और फेसबुक ने इस चीज़ को भी स्वीकार किया है। फेसबुक जिन कंपनी को अपने यूजर्स का डाटा शेयर करता है, उनमें दुनिया की सबसे बड़ी जो तीसरी मोबाइल कंपनी है दोस्तों, हुवाई उसका नाम भी है। और हुवाई जो है, अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने भी डेटा चोरी का आरोप लगाया है उसके ऊपर और उसने यहाँ तक कह दिया है कि यूजर्स जो है स्मार्टफोन्स यूज ना करें तो और भी बेहतर है। दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि आज स्मार्टफोन्स यूज करना कितना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है हमारे डेटा के साथ। दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरह से फेसबुक जो है लगातार हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमारे डेटा को लेकर वो कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा है।
इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन से आप समझ गए होंगे। इसलिए दोस्तों सावधान रहें और फेसबुक को एक हद तक, एक लिमिट तक यूज करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी सावधान रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।